हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मॉर्निंग स्टार्टिंग हो गई है, 11:30 हो गया है, स्टार्टिंग नहीं, मॉर्निंग तो निकल भी चुकी है, थोड़ी आधा घंटा बचा है मॉर्निंग का। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी अब हो रही है और सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज हम जा रहे हैं कहीं, मतलब जा रहे हैं किसी काम से, मैं और नीलम दीदी और भाई साहब और मेरे हस्बैंड, हम चारों किस लिए जा रहे हैं आज वहाँ, तो आपको अगर पता करना है, अगर जानना चाहते हैं आप, तो आप मेरे चैनल में बने रहें, पता लग जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि हम चार एक साथ गए आज तक शायद से, और जहाँ तक मुझे लग रहा हम नहीं गए। और अगर जा रहे हैं आज तो किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आज हम कुछ खास काम होगा ना, तो इसीलिए जा रहे हैं। तो इसके लिए जानने के लिए आपको बना रहना पड़ेगा। तो फिर वहीं जाके आपसे मिलती हूँ, या फिर जैसा भी होगा फिर आपको दिखाती हूँ हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, पहले ही रेडी हो गई थी बहुत देर से, और ये अब नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता हमारा आज आया है बाहर से, क्या आया है? कचौड़ी बोल के चले गए उधर, चम्मच लेने गए, कह रहे बहुत छोटी चम्मच दिया मुझे, इतनी छोटी चम्मच मत दिया कर, बोल के इनको छोटी चम्मच से खाना पसंद नहीं है। ये आई है कचौड़ी है, मिर्ची है, ये आ गए हैं बड़ी चम्मच लेके, इनको छोटी चम्मच से खाना कह रहे पसंद नहीं है। क्यों, छोटी चम्मच से क्या होगा, कम जा रहा है मुँह में? और क्या बोल, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती वहां तक। बिल्कुल, ये लो, कैसी हो रही थी कचौड़ी? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। चलो फिर हम जा रहे हैं गाड़ी से, और दीदी लोग चले गए हैं बाइक से, वो हमको मिलेंगे आधे रास्ते में, क्या पता वो हमारे साथ आ जाए या फिर नहीं आएंगे, तो फिर अपने ही बाइक से आएंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फिर दीदी लोग भी हमारे साथ ही आ गए थे हमारी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने एक जगह बाइक खड़ी कर दी अपनी पार्किंग में, और हमारे साथ आ गए थे। हम आ गए हैं अपने फ्रेंड के घर, जो बबली खत्री जिनका नाम है मेरी फ्रेंड, और ये है हमारे भाई साहब, ये है भाई साहब, और हम सब आ रहे हैं यहाँ फ्लैट देखने के लिए। ये आए हैं दीदी के लिए, फ्लैट देखने के लिए आए हैं हम, इनके लिए आए हैं हम फ्लैट देखने के लिए। मैंने बात कर दिया रिवील, और ये है हमारे भाई साहब। हाँ भाई साहब, मास्क लगा के बिल्कुल फुल प्रोटेक्शन के साथ में है। तो हम बहुत दूर आए हैं, हम आए हैं अशोक नगर। ये है मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड, बहुत सारे लोग जानते हैं इनको, और आज के बाद और जान जाओगे, बहुत पुरानी फ्रेंड है, और इनके घर आए हैं हम D1 से। हाँ, तब इनके घर आए हम 25 साल पुराने फ्रेंड, छोटे छोटे थे, बच्चों की शादी हो गई, नहीं इनकी तो नहीं हुई, अभी मेरी बेटी की शादी हो गई, इनकी बेटी की शादी नहीं हुई, इनकी बेटी अभी जॉब कर रही है, अभी शादी नहीं हुई है, बेटी की भी नहीं हुई है, मेरी हो गई। तो हम दीदी के लिए, नीलम दीदी के लिए हम फ्लैट देखने आए हैं, बहुत अच्छी सोसाइटी है यहाँ पे। तो हमारे भाई साहब जो हैं यहाँ के प्रधान हैं, और उन्होंने मंगा लिया है सीढ़ी, यहाँ से तोड़ेंगे नींबू, यहाँ पर आए हैं नींबू बहुत बड़े, कागची नींबू, छोटे नींबू है ना, ये देखिए तोड़ रहे हैं। दीदी आम भी लाते, वो देखो ऐसा मोर, मोर यहाँ तो मोर भी है यार, ये देखो यहाँ पे बैठा है मोर, दिख गया यहाँ पे, ये देखो मोर बैठा है यहाँ पे, ये देखिए, और बिल्कुल ऑर्गेनिक घर के, ऊपर भी लगा, ऊपर जो टहनी है ना उसमें बहुत सारे हैं। हम आए थे यहाँ फ्लैट देखने, और यहाँ तोड़ने लगे नींबू, सोसाइटी पूरी बिल्कुल मेंटेन करके रखी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, और गाड़ी की पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी की पार्किंग है। तो हमने सोचा चलो हम भी देख लेते हैं, अच्छा लगा तो इधर ही देखते हैं हम भी। ये देखो एक मोर ये बैठा है, एक मोर बैठा। चलते चलते हमको एक और नींबू का पेड़ मिल गया, यहाँ तो नींबू की ऐसी भरमार हो रही है कि क्या बताऊँ। देखो संतरे नींबू है ये, एक पेड़ और दो पेड़, बताओ खट्टे होते हैं, दो पेड़ और एक यहाँ तीन पेड़, ये तीन पेड़ और लदे हुए हैं यार, देखो आहा, ये देखो फूल, ये आर्टिफिशियल लग रहा है, देखो कितना अच्छा फूल है यार, ये आर्टिफिशियल लग रहा है, गजब यार। आज हम पूरा सोसाइटी घूम लिए हैं अपने फ्रेंड के घर देखने के लिए, दीदी के लिए, अच्छा लग जाएगा तो हम भी देख लेंगे इधर ही, भाई साहब हमें दिखा रहे हैं। हम कम से कम एक घंटे से घूम रहे हैं, पूरी सोसाइटी हमने घूम ली, यह है इनकी सोसाइटी का मंदिर, यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ हम पहले भी कीर्तन करने एक बार आ चुके हैं,
आपको भी दिखाऊंगी मैं मंदिर। ये है राम मंदिर, इसके अंदर हमने कीर्तन करे थे। चलो फिर देख रहे थे अंदर भी, देखो कितने अच्छी माता रानी। जय हो भगवान, माता रानी रक्षा करो। ये देखो हमने आपको माता रानी के, भगवान जी के, इष्ट देवता के दर्शन करा दिए। कितना सुंदर मंदिर है यहाँ यार, घंटी भी बज गई है। जय हो भगवान, देखो कितना सुंदर है यार, बहुत बढ़िया। जय हो भगवान। ये राधा किशन हैं, ये राम दरबार हैं, ये हमारी माता रानी बैठी हैं यहाँ पे, ये हमारे पवन पुत्र हनुमान जी भी बैठे हैं यहाँ पे, और ये लक्ष्मी क्या है, विष्णु, और यहाँ ये महाराज जी भी विराजमान है, और यहाँ पर शिवलिंग भी है। और ये हमको देखने का मौका मिला आपकी कृपा से। और ये क्या एरिया है, ये शिवलिंग देखो कितना अच्छा है ना, जैसे व्रत के दिन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने के लिए। जय हो भगवान। हाँ हाँ, चलो फिर तो अब हम जाएंगे इनके घर की तरफ को, एक बार घर में चल देते हैं फिर हम, फिर चाय पानी पी के अपने घर की तरफ को जाएंगे हम लोग। आदमी लोग हमारे घर वाले सब आगे आगे चले गए, मैं मंदिर के अंदर गई थी दर्शन करने इसलिए पीछे रह गई। तो हम जा रहे हैं छत की तरफ को, ये है इनकी छत, हम आ गए हैं छत में। ये है छत से ऊपर का व्यू है। हाँ और कर सकते हैं, अच्छी छत नहीं है, यहाँ के डर भी लगा छत में ना, हाइट इतनी नहीं है इसकी। क्या छत में लगाए हैं पेड़ पौधे, मिर्ची का, जब मिर्ची देखो, मिर्ची भी हो रही है। यहाँ पार्क है इनका, लोकेशन बहुत मस्त है, बढ़िया एकदम। ये कितना अच्छा सुंदर सा गमला है, ये अजवाइन का पेड़ है, पता नहीं, बहुत बड़ी छत है इनकी। सामने है नागार्जुन अपार्टमेंट, बहुत कॉस्टली है वो, तो हमारे सोच से भी बाहर है। 3 करोड़ 1.5 करोड़, 3 कम मिनिमम रेट 1.5 करोड़ बोल रहे हैं। हम तो गरीब लोग हैं, इतना कहाँ से कर देंगे हम ना, हम 1 करोड़ के नीचे वाले हैं। 80 अच्छे लोग रहते हैं तो फिर सोसाइटी में अच्छा ही होता है, सब साफ़ सफाई होती है, लोगों पर डिपेंड करता है कि कैसे लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से कॉलोनी भी मेनटेन होती है, है ना। पहाड़ी जहाँ रहेंगे वहाँ साफ सफाई तो होगी। ये देखो बता रही है कि यहाँ ऐसे हमने किया है। ये दीदी का मन आ गया, हमारा मन आया नहीं आया दीदी, मन आया नहीं आया, तो आ गया यार, आ गया जो तीसरी मंजिल है वो सेम ऐसी मिलेगा, ऊपर का कमरा है ना। तो कितने पैसे आपके पास यार, पैसे तो तू है नी, तू है नी, ब्लॉगर से आएंगे पैसे, तो जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फटाफट व्यूज आएंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं दीदी को दूंगी मकान लेने के लिए। तो गाइज मैं कराती हूँ अपनी फ्रेंड के घर का होम टूर आपको। ये है एक बेडरूम जिसकी एंट्री एक यहाँ से है बाहर, और बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर काम करा के रखा हुआ है। अटैच टॉयलेट बाथरूम है ये, और यहाँ ड्रेसिंग टेबल है ये, हाँ ड्रेसिंग टेबल, और साथ में देखो कंप्यूटर टेबल भी बना के रखी हुई है। और ये है अटैच टॉयलेट बाथरूम, बहुत बढ़िया एकदम सुंदर, बहुत अच्छा है, खूब बड़ा स्पेस है इसके अंदर, है ना। अब अंदर जाकर देखोगे आप लोगों के टॉयलेट भी ऐसे दिखा रही है, और ये बाहर से देखो खिड़की है बहुत। और ये है बहुत ही सुंदर किचन, यहाँ हमारे लिए बनाई जा रही है चाय, हमने इनको भी कर दिया, बहुत परेशान है, अरे क्या परेशान, यहाँ से इनकी बाहर बालकोनी है, बहुत सुंदर बालकोनी है, ये बाहर भी दिखा रही हूँ, जाके शीशे वाला डोर है तो उसके अंदर से ही दिखा दे रही हूँ। ये है इनका किचन, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बना रहा किचन, वाली चीजें मैंने रखी है लाके। हमारे लिए आई है गुड़ की चाय, इनको तो बोला था दीदी और मैं, एक ने एक रूम इनका ये है, दूसरा रूम मतलब एक तो वो दिखाया था बेडरूम, एक ये है बहुत सुंदर साफ सफाई, और यह है बहुत सुंदर 1100 मंदिर। जय हो भगवान, कितना सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत सफाई तो इतनी है कि क्या बताऊँ। यह है तीसरा बेडरूम, ये तीसरा बेडरूम है, और कितना अच्छा है, बहुत बड़ा है ये रूम भी। ये देखिए हमारे ब्यूटीफुल कपल कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों जने, वाह वाह। ये यहाँ पर कवर्ड बना दिया नीचे, और ऊपर बना दिया टेबल टाइप का, और नीचे बाहर बाहर के देखने का, यहाँ से ये भी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही मस्त, और यहाँ पर भी एक कबर्ड है, कबर्ड अलमारी इसकी तो भरमार करके रखी। एक ड्रेसिंग टेबल यहाँ भी बनाया हुआ है, हर कमरे में मतलब जो जहाँ रहता है
उसके लिए वहाँ पूरा इंतजाम किया है, बेड का, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल का, कवर्ड का, बहुत अच्छा यहाँ पर फोटो का कोलाज बना के लगाया है बच्चों ने, पूरी फैमिली का, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा। एक अटैच टॉयलेट बाथरूम का ये भी है, यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये है इनका बहुत बड़ा टॉयलेट बाथरूम, यहाँ से भी खिड़की है, कितना अच्छा गजब यार, बहुत बड़ा है, गजब ये तो बहुत बड़ा है, खूब बड़ा है, देखो ऐसे ही में ये भी, ये वॉशिंग मशीन भी यहीं पर रखी हुई है, यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी रख दी है, इतना बड़ा बाथरूम है तो ठीक है और क्या। और ये तो हॉल है, हॉल में बैठे हैं, यहाँ पर बात हो रही है लेने की, मकान फ्लैट लेने की बात है, हमने कर दिया अपनी फ्रेंड को परेशान, बेचारी परेशान हो गई हमारे लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके घर में आके हमको, और आपका समय हमने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सब लोग चले गए हैं, ये कर रहे हैं फोन पे बात दीदी, इंद्रपुरम में भी है इनके डीलर, इनके आजकल बाहर डीलरों से ही चल रही है, बाहर चले गए हैं, अब हम जाते हैं घर की तरफ को, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, बहुत अच्छा लगा, तो जाते हैं घर को, ये हमने जब घर को जाते थे ना मुट्ठी में बात के जाते हैं, ये है इनका मेन गेट, तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, इस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे को, हमको छोड़ने चिंता कर रहे हैं बेचारी, देखो इधर हमारी गाड़ी खड़ी है, हम बैठ गए हैं गाड़ी में, और दीदी का, दीदी के लिए फिर से आ गया डीलरों का फ़ोन, क्योंकि दीदी आजकल अपने लिए फ्लैट ढूंढ रही है, तो वही यही चल रहा है आजकल दीदी का, तो अब हम घर जाते हैं फटाफट, और दीदी लोगों की बाइक आधे रास्ते में है हमारे मार्केट में, दीदी लोग अपनी बाइक में आएंगे आधे रास्ते से, और हम फटाफट घर पहुँचते हैं, फिर खाने का कुछ जुगाड़ करेंगे, अब तो टाइम ज़्यादा हो गया है, 4 बज गए, हल्का फुल्का कुछ खाएँगे, फिर शाम को जाएँगे हम प्रोग्राम देखने गढ़वाल बरात वालों का। तो गाइस दिन भर के जद्दोजहद के बाद, काम काज के बाद, अब हुई है शाम के बजे 6, अंधेरा हो रहा है, हम काले पट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको पता है हम गोरे हैं करके तो हम जा रहे हैं प्रोग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर आज है, आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है ना, उत्तराखंड स्थापना दिवस है आज, तो स्थापना उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर हो रहा प्रोग्राम, गढ़वाल बरात वाले करवा रहे हैं, तो वही हम देखने जा रहे हैं, उसमें हमारी फ्रेंड सुनीता भी पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए हम जा रहे हैं, तो हम नहीं भी जाते, तो सुनीता का डांस आपको भी दिखाऊंगी मैं, और ले चलती हूँ वहाँ पर, बिल्कुल टाइम नहीं पता है, नीलम दीदी वहाँ इंतजार कर रही है नीचे, तो इतने सारे लोग आ जाओ, आ जाओ, आने वाले बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हैं हमारे साथ पीछे, और रुके हैं नीलम दीदी को, नीलम दीदी आ रही है, और हमारी रजनी मैडम तो सबसे पहले खड़ी है यहाँ पर, ये देखो ये ब्यूटीफुल गर्ल्स खड़ी है यहाँ पर, हमारी वेरी गुड वाली, मैंने बोला तो यहाँ पर हो रहा है गढ़वाली वर्सेस कुमाऊनी, कुछ नहीं हो रहा है, हम उत्तराखंडी है, ठीक है, हम उत्तराखंडी, हम मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे आते रहो आते रहो, ये देखो ये इतनी सारी टीम हमारे, हम जा रहे हैं गढ़वाले प्रोग्राम देखने, गढ़वाली ये हमारी टीम है, देखो कौतिक देखने वालों की भीड़ देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ सुनीता के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुनीता के लिए हम लोग आए हैं, नहीं तो हम शायद नहीं भी आते, नहीं तो हम नहीं भी आते, हम सिर्फ सुनीता के लिए आए हैं गढ़वाली प्रोग्राम देखने के लिए, आ जाओ आप भी आ जाओ, तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये लगा है टेंट यहाँ पर, बहुत बड़े अच्छा टेंट लगा है, जहाँ पर हम लोगों की रामलीला हुई थी, सेम वही पार्क है, वही पार्क है, नहीं उत्तराखंडी भोजनालय भी है यहाँ पर, जो कि रामलीला में भी थे, उत्तराखंडी भोजनालय ये हमारे उत्तराखंडी लोग हैं, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, ये बैठ गई हमारी टीम, साथ साथ बैठ गए सब लोग, यहीं बैठ गए श्री सोनलाल लाखोटी जी, उपकोषाध्यक्ष महोदय जितेंद्र रावत जी, और हमारे लेखा परीक्षक आदरणीय बलवीर रावत जी, कहाँ जा रही है जी, और भी गुजरात का
आगे बैठ गए, हमारी टीम साथ साथ बैठ गई, अपनी चेयर खिसका खिसका के आगे आगे बैठ गए। और दीप प्रज्वलित के लिए आज के कार्यक्रम में दोबारा मन लगे कृपा करें। नहीं मेरे को तो नहीं होता, मेरे फैन तो आगे बैठे हैं, वो देखो आगे आगे, ये हमारे फैन तो आगे बैठे हैं, वाह वाह वाह। ये है हमारी गढ़वाल बरात की बहन और जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें? डांस में? नहीं नहीं, मैं ड्यूटी है कारी करनी में। कारी करनी में? अच्छा, कैसा पूरा वेशभूषा में? उत्तराखंडी वेशभूषा में? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू, थैंक यू। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर हो रहा है मैं पहाड़न मेरा ठुमका पहाड़ी मैं डांस हो रहा, बच्चों का, लड़कियाँ हैं बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, अच्छा डांस करी, बहुत पहाड़ी वेशभूषा में, इन्होंने पिछौड़ा भी पहना है कुमाऊनी का, कुमाऊनी कल्चर का, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे बच्चे। और कॉपीराइट के कारण मैं इनका गाना नहीं ले पाई, इसके लिए सॉरी चाहती हूँ सभी से। कि भाई हम जंगल में चले गए, आज वही संदेश लेगी हमारे मयूर विहार पेड़ की नारी शक्ति वाणी जो कि जंगल पे बचाओ, पेड़ों पे बचाओ और उत्तराखंड में और भी भर भर करो। तो मैं आमंत्रित कर दूं अगला कार्यक्रम कर नारी शक्ति का है और ये गाना की कोरियोग्राफी कर नीलम रावत जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कॉपीराइट का कार्यक्रम के लिए। एक बार नारी शक्ति का जोर से एक बार ताली बजा दी। तो यहाँ पर आ गई अब सुनीता की बारी आ चुकी है, सुनीता यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, सुनीता और भी साथ के हैं हमारे, शायद हेमा भी है, हेमा एक लाइन में सबसे आगे सुनीता खड़ी है, एक लाइन में सबसे आगे हेमा खड़ी है, जहाँ तक मुझे दिखा मुझे तो हेमा ही लगी वो, हाँ हेमा ही है। और हमारे सीधे देखने में बाई तरफ जो है लेफ्ट साइड सुनीता है, राइट साइड हेमा है, अगर हेमा है तो हेमा ओके कर देना, हाँ मैं हूँ कर देना, क्योंकि अच्छा से दिखने रहता सामने से। सुनीता को तो हम जानते हैं इसलिए पहचान लिया हमने सुनीता को, और हेमा को भी हम जानते हैं यार, बट हेमा की मैं कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाई क्योंकि मैं सुनीता पर ही सारा ध्यान केंद्रित हो रहा था वीडियो बनाने में, इसके लिए सॉरी हेमा। तो अगर हेमा है तो बोल देना हाँ मैं थी, बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने, बहुत ही अच्छा एकदम अच्छा सा एकदम डांस किया, मन लग गया हमारा, और परफॉर्म बिल्कुल मस्त था। 2 महीने से प्रैक्टिस दिख रही थी कि इन्होंने 2-3 महीने से प्रैक्टिस की थी। सुनीता हमारे साथ बैडमिंटन खेलने भी नहीं आ रही थी, 3 महीने हो गए शायद, और बैडमिंटन में भी पूरा टाइम नहीं दे पाई, कहीं भी टाइम नहीं दे पा रही थी सुनीता हमारे साथ, क्योंकि डांस प्रैक्टिस में जा रही थी और वो दिख रहा थी कि सुनीता ने प्रैक्टिस की है। हेमा, सुनीता, जितने भी लोग हैं सारी, एक प्रेमा ढोंडियाल भी हैं, वो भी हमारे साथ की हैं, सब हमारे साथ के ही हैं, बस मैं नाम नहीं जानती इनके कौन कौन हैं। और एक बबीता भी हैं बीएड से, और सभी हमारे पॉकेट हमारे नियर बाई हैं, सारे हमारे पड़ोसी हैं ये लोग, और गढ़वाल भ्रातु से हैं ये लोग। अब इनका देखो बीच में आ गई वंदना पेड़ लेके, और ये पेड़ के ऊपर गाना गाते हैं, ना काटा डाली बोठा करके, इस तरह से गाना है। कॉपीराइट के कारण मुझे इनका गाना हटाना पड़ रहा है, इसके लिए सॉरी सभी को, माफ़ी चाहती हूँ मैं। लेकिन मैंने प्रोग्राम पूरा लिया सुनीता का, मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी को अच्छा लगा, हम लोगों को, हम सुनीता का ही परफॉर्म देखने के लिए वहाँ पर गए थे। अगर ये टाइम ऐसा था ना, लंच का टाइम था, लंच बनाने का टाइम था, पूजा पाठ का टाइम था, शाम को 6 बजे हम निकल गए थे, 6 बजने 5 मिनट थे, हम घर से निकल गए थे,
और इस टाइम में घर से बाहर निकलना महिलाओं के लिए कितना क्रिटिकल होता है सभी को पता है, क्योंकि ये टाइम बिजी टाइम होता है, पूजा पाठ खाना पानी सभी देखना होता है, पानी भी भरना होता है। फिर भी हम गए सुनीता के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्म रहा इनका। ये डाली बोटी में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, ना काटा ना काटा, पेड़ मत काटो कह रही हैं, अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि पेड़ मत काटो, पेड़ काटने से ये होता है वो होता है। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि पेड़ मत काटो, जंगल जंगल मंगल मत ख़त्म करो, पेड़ों को रहने दो, पेड़ों से जो है हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये वो सब बताया जा रहा है अपनी भाषा में। बहुत अच्छा परफॉर्म लगा और इसके बाद सारे लोग बहुत अच्छा, मतलब परफॉर्म लगा, मज़ा आ गया था देख के। और उठने का वहाँ से मन नहीं कर रहा था क्योंकि घर में भी रोटी बनानी थी तो घर आना भी ज़रूरी था। हम सिर्फ सुनीता का ही परफॉर्म वहाँ देखने गए थे। उत्तराखंड स्थापना दिवस जो कि आपको सामने दिख रहा है, बोर्ड लगा हुआ, पर्दा लगा हुआ, बहुत अच्छा मजा आ गया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यही हो अभी, चलो ठीक है, ये देखो ये देखो ये आ रखे हैं देखो, और ये भी बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय। अबे हम मैं खाना बना के नहीं हूँ, सब्जी बना के खुशी करके नहीं हूँ, चिंता का नाम एक दिन की बात है, बन जाएगा 12 बजे। और घर जाके जो हस्बैंड को खाना बना के देना पड़ेगा, कौन बनाएगा उनको, बोला होटल से खा ले आओ। और ये दीदी कह रही कि होटल से खाओ, तो प्रोग्राम से हम लोग आ चुके हैं घर। सुनीता का परफॉर्म जो है बहुत ही बेस्ट था और आपने देखा होगा कितना बेस्ट था, हमारे सारे बहुत अच्छा डांस किया और बहुत मजा आया। और रजनी आगे भाग गई है, रजनी धन्यवाद, ये आए रजनी आगे भाग गई है, सारा काम छोड़ के आए सिर्फ और सिर्फ सुनीता के लिए, और सुनीता को अच्छा लगा कि हम आए। तो गाइज हम सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, अंबिका आगे चली गई, अंबिका वीडियो में नहीं आती है, और हम चार जने आ चुके हैं, सुनीता तो प्रोग्राम करने गई थी, हम तीन जने आ चुके हैं और सुनीता आ गई भाग के, तो हम भी आ गए सुनीता की तरफ से। और सुनीता का डांस बहुत ही मस्त था, एकदम बेस्ट था, मैं तो वीडियो ही बनाते रही, मैंने देखा भी नहीं। हाँ ये पहाड़ी बांध। तो गाइज अब हम घर जाके काम वाम करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, 7:30 बज चुके हैं। ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।